नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, यूं तो हमारे आसपास कई दिव्य औषधि पौधे पाए जाते हैं, लेकिन शायद पहचान और सही जानकारी न होने के कारण हम उनके गुणों से अनजान होते हैं और उनके लाभकारी फायदों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी ही एक दिव्य औषध है शतावरी। आयुर्वेद में शतावरी को औषधियों की रानी माना जाता है एवं इसे 100 रोगों में प्रभावकारी बताया गया है। सजावटी पौधों में भी इसकी गिनती होती है। शतावरी को स्त्रियों के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक माना जाता है, जिसका उपयोग बांझपन को दूर करने और रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज के लक्षणों के इलाज में भी होता है। शतावरी महिलाओं की डिलीवरी के बाद दूध की मात्रा या लैक्टेशन बढ़ाने के लिए रामबाण औषध की तरह काम करती है। इसका उपयोग प्रतिरोधात्मक शक्ति या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कम वजन वाले कुपोषित बच्चों में, नींद न आने की समस्या में, जोड़ों के रोगों में शतावरी बहुत फायदा करती है। यह नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और कैंसर के ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करती है। आज मैं आपको इस दिव्य औषध शतावरी की पहचान, उसकी प्रजातियाँ बताऊँगी एवं इसे कैसे लगाया जाता है इसकी भी जानकारी दूंगी। शतावरी का लैटिन नेम एस्पेरिगस रेसिमोसस है। इसे लिलिएसी फैमिली में रखा गया है। इसमें आने वाले पौधे कंद स्वरूप के होते हैं, जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि। इसे शतमूली भी कहते हैं। शतमूली दो शब्दों से मिलकर बना है, शत और मूली, अर्थात जिसके 100 मूल होते हैं। इसकी जड़ें गुच्छों में होती हैं। इसके पर्याय हैं शतवीर्या, बहुसुता, अतिरसा, नारायणी और सूक्ष्म पत्रिका। इसके पत्ते बहुत सूक्ष्म या छोटे होने के कारण इसे सूक्ष्म पत्रिका कहा गया है। हिंदी में इसे सतावर कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन एस्पेरिगस, उर्दू में सतावर कहते हैं, उड़िया में चोतारू या मोहनोले, बंगाली में शतमूली या सतामूली, पंजाब में बोजानंद या बीजीदान, मराठी में अश्वेत कहते हैं। शतावरी की कांटों से युक्त झाड़ीदार 1 से 2 मीटर लंबी फैलने वाली लता होती है। प्रायः मूल से इसकी कई शाखाएं एक साथ निकलती हैं, जो कि थोड़ी कठोर लकड़ी के जैसी होती हैं। इसकी शाखाएं त्रिकोणयुक्त, स्निग्ध और रेखान्वित होती हैं। इसकी शाखाओं से जो पत्र आभास कांड निकलते हैं, शुरू में कांड से होते हैं, लेकिन वे बाद में पत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें क्लैडोर्स कहते हैं। यह 1.5 से 1 इंच लंबे होते हैं। यह एक साथ गुच्छों में होते हैं। यह हंसिया के आकार के और नीचे की ओर नलिका या पाइप जैसे होते हैं। इसके पत्ते काफ़ी पतले और सुइयों जैसे नुकीले होते हैं। इनके साथ साथ इनमें छोटे छोटे कांटे भी लगते हैं। कांटे 1/4 इंच लंबे सीधे होते हैं। कांटे होने के कारण शतावरी को कंटक पंचमूल में रखा गया है। कंटक पंचमूल में आते हैं गोचर, हिंसरा, शतावरी, सैरेयक और करमर्द। शतावरी के फूल मंजरी के रूप में आते हैं। यह मंजरी 2 इंच लंबी होती है। इस मंजरी में सुगंधित छोटे छोटे फूल लगते हैं। यह फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इन फूलों के छोटे छोटे व्रंत होते हैं या डंठल होते हैं, जिसमें बैंगनी रंग के परागाशय होते हैं। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर माह में आते हैं। इसके फल मटर के आकार के होते हैं, जो शुरू में हरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे यह फल पकने लगते हैं और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, जिसमें 1 या 2 बीज आते हैं। इन्हीं बीजों का यूज़ बिजाई के लिए होता है। शतावरी की मूल का औषधीय प्रयोग होता है, इसे कंद कहा जाता है। हर बेल या लता के नीचे कम से कम 100 या इससे अधिक जड़ें होती हैं। यह जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी, 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। जड़ों की खासियत यह होती है कि इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका होता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो कि गीली या सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः इसका ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है। वर्षा के प्रारंभ में इसके मूल से नवीन शाखाएं निकलने लगती हैं। शतावर की 2 मुख्य प्रजातियां होती हैं,
पहली है एस्पेरेगस सार्मेंटोसा और दूसरी है एस्पेरेगस फिलीसिनस। एस्पेरेगस सार्मेंटोसा की लता बहुत बड़ी होती है तथा कंद लंबे और संख्या में अधिक होते हैं, इस कारण इसे महाशतावरी, सहस्रमूली या सहस्रवीर्या कहते हैं। दूसरी प्रजाति है एस्पेरेगस फिलीसिनस। इस प्रजाति में लता में कांटे नहीं होते हैं। यह हिमालय में 4 से 6 हज़ार फीट की ऊंचाई तक मिलती है और इसकी मूल छोटी होती है। शतावरी को लगाने के लिए बीज को पानी या गोमूत्र में पहले भिगोने की आवश्यकता होती है। इससे शीघ्र और अधिक अंकुरण प्रतिशत प्राप्त होता है और बीज आवरण मुलायम हो जाता है। बीज को जून में बोया जाता है। इसके लिए मुलायम और दोमट से चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।